ईद की आमद आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई क्या इल्ज़ाम है तुम पर? जज जनाबे वाला, मैंने ईद की शॉपिंग रात जल्दी कर ली थी। जज साहब, कितना अरसा पहले? मुलजिम, जनाबे वाला दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। दो अरबी एक दूसरे को अरबी में गालियाँ दे रहे थे। करीब से एक पंजाबी गुजरा और बोला, कारी साहब हमें भी इन दुआओं में याद रखना। बेटी, पहले तो मुझे पापा कहती थी, अब डैड कहना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? लड़की, कम ऑन डैड, पापा कहने से लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदके से शादी का क्या ताल्लुक? शोहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया तो हो गई मेरी शादी। एक लेडी डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ़ दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और काफ़ी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाइए क्या हुआ? आदमी, PTSL से आया हूँ, अगर बात ख़त्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूँ। एक मुर्गी ने बतख से शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का नेवी में हो। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फ़कीर ने कहा, मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा, अल्लाह जाने ज़मीन खा जाती है या आसमान। बीवी, साइन बोर्ड देखो, शिफॉन सूट 20 रुपये, कॉटन सूट 10 रुपये, बनारसी सूट 18 रुपये, मुझे 5,000 दो, मैं 50 सूट लूँगी। शोहर, अंधी वो धोबी की दुकान है। बीवी, क्या कर रहे हो? सरदार, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मक्खियाँ मार दी हैं? सरदार, टोटल 5 मारी हैं, जिनमें से 3 औरतें और 2 मर्द हैं। बीवी, तुम्हें कैसे पता? 3 औरतें और 2 मर्द। सरदार, 3 शीशे के सामने बैठी थी और 2 गोल्ड लिफ्ट।